कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स टीव्ही फ्रीज वॉशिंग मशीन एसी आणि सर्व प्रकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इलेक्ट्रिकल्स वस्तूंची खरेदी तसेच दुरुस्तीसाठी उत्तम पर्याय ठिकाण बाबा टॉवर पाथरी प्रोप्रायटर कृष्णा लांडे प्रायोजक पाथरी प्रीमियर लीग एमके ट्रेडर्स सिमेंट गज एंगल पट्टी चद्दर पाईप फरशी दरवाजे इत्यादी बिल्डिंग मटेरियल योग्य दरात मिळण्याचं पाथरी शहरातील एकमेव ठिकाण मोंढा कॉम्प्लेक्स माजलगाव रोड पाथरी प्रोप्रायटर एजाज खान मुजम्मिल खान मुख्य प्रायोजक पाथरी प्रीमियर लीग नॅशनल ड्रेसेस आमच्या येथे सुटिंग शर्टिंग जीन्स साडी शालू नऊवारी इत्यादी कपडे उत्तम क्वालिटी व व्हरायटी मध्ये मिळतील बाबा टावर पाथरी जिल्हा परभणी प्रोप्रायटर मुन्नूभाई अंसारी प्रायोजक पाथरी प्रीमियर लीग सलामी बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए चले सैयद खीजर के लिए एक इनाम आया है सैयद खीजर अगर 30 रन बनाते हैं तो 500 रुपए का इनाम असद मामा गोल्डन शहर के माजी क्रिकेटर इनकी ओर से दोनों ही टीमों के 12th मैन डाइस के पास कमेंट्री बॉक्स में आ जाए प्लीज फिलहाल स्ट्राइक पर है रोहित नॉन स्ट्राइकर एंड पर है स्ट्राइक पर है खीजर सलामी बल्लेबाज और गेंदबाजी का भार संभाला है विकास ने स्ट्राइक पर खीजर नॉन स्ट्राइक पर रोहित देवरे और गेंदबाजी का भार संभाला है विकास ने विकास की अगली गेंद खीजर के लिए कोहिनूर चैलेंजर्स ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है स्ट्राइक पर है खीजर सामना करने के लिए तैयार कोहिनूर चैलेंजर्स के ओनर है सैयद गुलशेर खान उर्फ गुलशेर मामा ये गेंद दबा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रही विकेट कीपर भीड़ हुए गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की दिशा में वाइड बॉल का इशारा अंपायर का कुल मिलाकर दो रन मिले अतिरिक्त के रूप में इन दो रनों की सहायता से स्कोर
अतिरिक्त रनों का और टीम का खाता खुला। जैतापुर रॉयल्स के ओनर हैं साजिद राज और ताजुद्दीन फारूकी साहब, दो रन बिना किसी गेंद किए के दिए हैं विकास ने। अब स्ट्राइक पर है रोहित देवरे। रोहित देवरे के लिए अगली गेंद करेंगे विकास। फील्डिंग में परिवर्तन किया गया है, लॉन्ग ऑन को अब 38 सर्कल के अंदर बुलाया गया है और एक डीप मिड ऑफ और एक डीप मिड विकेट रखा गया है बाउंड्री पर। 38 सर्कल के अंदर ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी हैं विकेट कीपर को छोड़कर, ऑन साइड पर 38 सर्कल के अंदर 2 खिलाड़ी हैं, लेग स्लिप और एक शॉट लॉन्ग ऑन। रिवर्स स्वीप, क्या छूटा, गेंद जा रही है डीप गली के स्थान पर, खिलाड़ी गेंद के पीछे, जब तक के गेंद को फील्ड कर वापस करते समय था दूसरा रन दौड़कर पूरा करने का। इन दो रनों की सहायता से अपना खाता खोला रोहित देवरे ने और टीम का स्कोर जा पहुंचा 4 रनों पर। 4 रन बने हैं, पहली ओवर का खेल जारी है। विकास की अगली गेंद, कदमों का इस्तेमाल कर खेलना चाहा लेकिन बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेकर गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, पहली विकेट का बटन रोहित के रूप में। पाथरी प्रीमियर लीग आयोजक जुनेद खान दुरानी। PPL सद्दाम सिद्दीकी विकेट कीपर है। अच्छा कैच लपका वहां पर सद्दाम सिद्दीकी ने, पहला विकेट दिलाने में अपना हाथ बाहर लगाया। अनीस आए हैं गेंद बल्लेबाजी के लिए, मोहम्मद अनीस सामना करेंगे विकास की अगली गेंद का। 4 रन के स्कोर पर पहला विकेट गिरा है, स्ट्राइक पर है अब मोहम्मद अनीस। इस बार ऑफ साइड पर आकर, ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ आकर ऑन साइड पर खेला कलाए हुए के सहारे मिड विकेट के स्थान पर, जब तक के डीप मिड विकेट के खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते समय था एक रन दौड़कर पूरा करने का। इस एक रन की सहायता से बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 5 रन। पहली ओवर का खेल जारी है, 5 रन बने हैं। अब स्ट्राइक पर है विकेट कीपर बल्लेबाज खिजर, अच्छे विकेट कीपर है और बल्लेबाज भी काफी अच्छे हैं। इस बार सीधे बल्ले से डीप मिड ऑफ के स्थान पर कोई मौका नहीं, गेंद गई बाउंड्री लाइन पर 4 रनों के लिए। पाथरी प्रीमियर लीग में लगा चौका लगा। 9 रन मरता हुआ स्कोर जा पहुंचा, पावर प्ले का फायदा उठाया इस गेंद पर, मिड ऑफ पर पंच किया और 4 रन बटोरे, स्कोर है 9 रन। एकमात्र विकेट के नुकसान पर, पिछला विकेट जो गिरा था विकास का रोहित का, फिर से सीधे बल्ले से, लेकिन इस बार अच्छी फील्डिंग फॉलोअर्स में हल्की सी मिसफील्ड हुई थी लेकिन तुरंत गेंद पर झपट पड़े थे विकास, कोई रन न बना इस गेंद पर, डॉट गेंद ये। 9 रन एक विकेट के नुकसान पर पहली ओवर का खेल जारी है। कोहिनूर चैलेंजर्स की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए, फिर से सीधे बल्ले से खेला लेकिन मिड ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद इस बार मोहम्मद वसीम। ओवर नंबर 1 समाप्त हुआ, पहला ओवर समाप्त हुआ है, एक सफल ओवर, लाजवाब ओवर ये विकास का, केवल 9 रन आए और एक महत्वपूर्ण एक बड़ा विकेट हाथ लगा है रोहित देवरे के रूप में।
पॉइंट टेबल में दो नंबर पर चल रही है जैतापुर रॉयल्स की टीम और एक नंबर नौ नंबर की पोजीशन पर चल रही है कोहिनूर चैलेंजर्स की टीम। पॉइंट टेबल के हिसाब से अगर देखा जाए तो अब्दुल वहीद उर्फ वसीम आए हैं व्यक्तिगत पहला और इस इनिंग का दूसरा ओवर करेंगे। स्ट्राइक पर है मोहम्मद अनीस, अगली गेंद का सामना करेंगे वसीम की। इस एक सिंगल की सहायता से स्कोर जा पहुंचा 10 रन। दूसरी ओवर का खेल जारी है, 10 रन बने हैं। अब स्ट्राइक पर है खीजर, सामना करेंगे अगली गेंद का वसीम की। फुल टॉस बनाकर खेला बैक टू द बॉलर, मिड ऑन और मिड ऑफ के बीच में गेंद आई, जब तक के लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी गेंद को फील्ड कर दें, समय था एक रन दौड़कर पूरा करने का। इस एक रन की सहायता से बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा अब 11 रनों पर। एकमात्र विकेट के नुकसान पर कोहिनूर चैलेंजर्स की टीम 11 रन बना पाई है एक विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद फिर से एक बार शॉर्ट गेंद पुल किया, इस बार मोहम्मद अनीस ने, गेंद गई डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। लगा छक्का लगा लगा चौका लगा लगा छक्का लगा लगा चौका लगा लगा छक्का लगा। इस छक्के की सहायता से स्कोर जा पहुंचा 17 रनों पर और मोहम्मद अनीस जा पहुंचे 8 रन के स्कोर पर। 5 रन बनाकर खेल रहे हैं खीजर, कुल मिलाकर स्कोर है 17 एक विकेट के नुकसान पर 17 रन। अंदर आती भी गेंद को रक्षात्मक तरीके से खेला और आंखों में इशारा कर एक रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। 18 रन बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा। दूसरी ओवर का खेल जारी है, 18 रन बने हैं और एक विकेट गिरा है कोहिनूर चैलेंजर्स का। पहली ओवर में 9 रन आए थे और इस ओवर में अब तक 9 रन आए हैं। एक छक्का और 3 सिंगल की सहायता से 4 गेंदों में इस बार यॉर्कर लेंथ की गेंद को खेल निकाला मिड विकेट के स्थान पर, एक रन तेजी के साथ दौड़कर पूरा किया। दूसरा रन लेना चाहते हैं और दूसरा भी पूरा किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रदर्शन, इन दो रनों की सहायता से बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 20 रन। अगली गेंद मोहम्मद वसीम उर्फ वहीद की, मोहम्मद वहीद उर्फ वसीम की। हल्की सी अपील, ठुकराया उस अपील को अंपायर ने, ओवर समाप्त हुआ। ये दूसरा दो ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 20 रन एकमात्र विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कोहिनूर चैलेंजर्स। इस ओवर से 11 रन आए हैं, पहली ओवर में 9 रन आए थे।
आवेश पटेल आए हैं गेंदबाजी के लिए। अपने कोटे का पहला और इस इनिंग का तीसरा ओवर करेंगे। स्ट्राइकर एंड पर है मोहम्मद अनीस। अगली गेंद का सामना करेंगे आवेश पटेल की। स्वीप किया इस बार पहले के ऊपर से, खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं लेकिन गेंद तेजी के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रनों के लिए। पाथरी प्रीमियर लीग में लगा छक्का लगा, लगा चौका लगा, लगा छक्का लगा, लगा चौका लगा। 24 रन बर्दाबाद स्कोर जा पहुंचा एकमात्र विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद इस बार उछाल कर खेला, गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर डीप पिट ऑफ पर सीधे, छह रनों के लिए बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 30 रन। प्रीमियर लीग में लगा छक्का लगा, लगा चौका लगा, लगा छक्का लगा। तीस रन डॉट गेन, ये दो गेंदों में 10 रन बटोरे थे छक्का और चौका लगाकर। इस बार सफलता हासिल हुई गेंद डॉट कराने में आवेश पटेल को। फिर से तैयार आवेश पटेल अगली गेंद कराने के लिए। स्ट्राइक पर है मोहम्मद अनीस। बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेकर गेंद गली के स्थान पर आई, जब तक के गेंद को फील्ड करते एक रन तेजी के साथ दौड़कर पूरा किया। इस एक रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा 31 रनों पर। तीसरी ओवर का खेल जारी है, 31 रन बने हैं और केवल एक विकेट गिरा है कोहिनूर चैलेंजर्स का। इस बार हल्के हाथों से खेला, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के स्थान पर खिलाड़ी मौजूद थे, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इकतीस रन स्वीप किया इस बार, थोड़ा सा ऑफ स्टंप पर बाहर आकर, जब तक कि गेंद को फील्ड कर वापस करते एक रन दौड़कर पूरा किया। थोड़ा सा वाइड थ्रो जिसका फायदा उठाया, दूसरा रन भी दौड़कर पूरा किया, तीसरे रन के लिए निकल पड़े हैं और तीसरा रन भी दौड़कर पूरा किया। लाजवाब रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रदर्शन। ओवर समाप्त हुआ ये तीसरा, तीन ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 34 रन एक विकेट के नुकसान पर। इससे पहले कि चौथा ओवर शुरू हो आगे का आंखों देखा हाल मेरे साथी कमेंटेटर इरशाद बागवान सुनाएंगे। धन्यवाद वाजिद खान। मैदानावरती सुरू सामना पीपीएल पाथरी प्रीमियर लीग या स्पर्धेतील 61वा सामना, स्पर्धेचा आजचा 10वा दिवस, जैतापूर रॉयल्स वर्सेस कोहिनूर चॅलेंजर्स। कोहिनूर चॅलेंजर संघाचे संघमालक सय्यद गुलशेर खान उर्फ गुलशेर मामा आणि जैतापूर रॉयल संघाचे संघमालक साजिद राज आणि ताजुद्दीन फारुकी। तीन षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होते ती 34। एक मात्र बाद झालेला फलंदाज रोहित देवरे, स्ट्राइकचा फलंदाज सय्यद खिजर, नॉन स्ट्राइक एंडला मोहम्मद अनीस, गोलंदाज विकास, वैयक्तिक दुसरं संघाचं चौथं षटक। पीपीएल पाथरी प्रीमियर लीग सीझन 2
कड़क कड़कड़ीत असा प्रहार अप्रतिम असा षटकार मिड विकेट च्या वरून मारलेला षटकार त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक पाथरी प्रीमियर लीग पहिल्याच चेंडूवरती कडक कडकडीत असा प्रहार षटकार अतिशय तंत्रशुद्ध फलंदाजीचं प्रदर्शन सय्यद खिजर गोलंदाज विकास यावेळी मात्र सुरेख असा चेंडू धावसंख्या होते ती 40 वैयक्तिक दुसरा आणि संघाचं चौथं षटक या स्पर्धेचे आयोजक संयोजक आणि मार्गदर्शक आदरणीय जुनेद भाई दुर्रानी आणि त्यांचे सर्व सहकारी दरम्यान पुढचा चेंडू यावेळी चेंडू जातोय लॉगांच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी मोहम्मद इम्रान पुन्हा येतोय गोलंदाज विकासकडे यावेळी मात्र स्ट्राईकवर मोहम्मद अनीस बॅटची हलकीशी कड घेऊन चेंडू जातोय नॅशनल ड्रेसेस चौकार थर्ड मॅनच्या दिशेने गेलेला चेंडू चौकार या चार धावेबरोबर धावसंख्या वाढते धावसंख्या होते ती 45 स्ट्राईकचा फलंदाज मोहम्मद अनीस नॉन स्ट्राईक एंडला सय्यद खिजर समालोचन कक्षामध्ये सामना समितीचे तबरेज लाला अप्रतिम अशी सामना समिती इब्रोज खान सगीर अन्सारी आसिफ अन्सारी शौकत अली सय्यद उर्फ मुन्नू हनुमानजी शिंदे महादेव सुतारे मुश्ताक खान दुर्रानी रौफ बसरी हमीद शाह स्ट्राईकचा फलंदाज सय्यद खिजर यावेळी मात्र कडक कडकडीत असा प्रहार क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी या एकाच धावेबरोबर धावसंख्या वाढते धावसंख्या होते ती 47 चार षटकाची समाप्ती धावसंख्या 47 या सामन्यामध्ये जर सय्यद खिजरनं वैयक्तिक 30 धावा केल्या तर त्याच्यासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक असद मामा औरंगाबाद गोल्डन शायरचे पूर्व खेळाडू आणि प्रत्येक षटकारावरती 100 रुपयाचं पारितोषिक सय्यद खिजरसाठी गोलंदाज आवेज पटेल पहिल्या चेंडूवरती सय्यदने एक धाव घेतली धावसंख्या वाढते धावसंख्या होते ती 48 वैयक्तिक दुसरं आणि संघाचं पाचवं षटक गोलंदाज आवेज पटेल जैतापूर रॉयल संघाचा गोलंदाज आवेज पटेल पहिल्या षटकामध्ये 14 धावा दिल्या यावेळी मात्र एक धाव दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न एकच धाव नकार दिला धावसंख्या होती ती 49 स्ट्राईकचा फलंदाज सय्यद खिजर व
रोहित देवरे सारखा दिग्गज फलंदाज बाद झाल्यानंतर अतिशय समजूतदारीने फलंदाजी करताना मैदानावर दोन्ही फलंदाज मोहम्मद अनीस आणि सय्यद खिजर दरम्यान पुढचा चेंडू रिव्हर्स स्वीप करण्याचा प्रयत्न फसतोय चेंडू सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये याच्यानंतर होणारा सामना एकतानगर चॅम्पियन्स वर्सेस पठाण मोहल्ला पख्तुन्स दोन्ही संघाच्या कर्णधाराने याची नोंद घ्यायची एकतानगर चॅम्पियन्स आणि पठाण मोहल्ला पख्तुन्स थोडासा फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू परंतु या मिळताय चार धावा या चार धावेबरोबर धावसंख्या वाढते मैदानावरती पंच अडाव चार धावांचा इशारा पंच शाजेब सिद्दीकी दुसरे पंच ज्ञानेश्वर अडाव धावसंख्या होती ती 53 गोलंदाज आवेज पटेल पुन्हा एकदा बॅटची हलकी शिकड चेंडू यष्टीरक्षकाकडे कोणतीही धाव नाही षटक समाप्तीचा इशारा पाच षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 1-53 सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये धुमाकूळ घालत असलेली स्पर्धा पाथरी प्रीमियर लीग 190 देशामध्ये या स्पर्धेचा आपण यूट्यूब वरती पाहू शकतो राज इंटरनेट सर्व्हिसेसच्या माध्यमातून आमचे कॅमेरामन मास्टर कॅमेरामन नरेश पाटील अथर्व अंबाजी रॉबर्ट धनवडे ऑनलाईन स्कोरर विशाल म्हात्रे मॅन्युअल स्कोरर महादेव सुतारे माझे सहकारी कॉमेंटेटर वाजेद खान माझे सहकारी कॉमेंटेटर ज्यांनी आपल्या हिंदी कॉमेंट्रीनं अनेक मैदानं गाजवली असे महाराष्ट्रातील नामवंत कॉमेंटेटर नासिर बागवान गोलंदाज मोहम्मद इम्रान दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न एकच धाव धावसंख्या वाढते धावसंख्या होती ती 54 संघाचं 6वं आणि वैयक्तिक पहिलं षटक गोलंदाज मोहम्मद इम्रान स्ट्राइकचा फलंदाज सय्यद खिजर एक चोरटी धाव अप्रतिम असं रनिंग या एका धावेबरोबर धावसंख्या वाढते धावसंख्या होते ती 55 काहीशी आक्रमक अशी फलंदाजी करावी लागेल 6वं षटक मैदानावरती टाकलं जात आहे 1-55 स्ट्राईकचा फलंदाज मोहम्मद अनीस यावेळी चेंडू येतोय लॉग ऑफच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी एक धाव घेतली क्षेत्ररक्षक विकास सुरेख अशा गोलंदाजीचं प्रदर्शन गोलंदाज मोहम्मद इम्रान
धाव संख्या 56, अब तक 56। स्कूप चेंडू क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी एकच धाव घेतली, धाव संख्या 57। टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय कोहिनूर चॅलेंजर संघाचा संघनायक परवेज खान। गोलंदाज मोहम्मद इम्रान वैयक्तिक पहिला आणि संघाचं सहावं षटक। एक धाव घेतली, दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न होतोय। या दोन धावेबरोबर धावसंख्या वाढते, धावसंख्या होते ती 59। सहा षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 59। याच्यानंतर पुढील दोन षटके मैदानावरती काय होतंय याचं विवरण आपल्यासमोर महाराष्ट्रातील मशहूर हिंदी कॉमेंटेटर नासेर बागवान यांना मी समालोचन कक्षामध्ये आमंत्रित करतो। मिस्टर नासेर बागवान, बहुत बहुत धन्यवाद इरशाद। 6 ओवर की समाप्ति पर और एकमात्र विकेट के नुकसान पर रन संख्या है 59 रन। 2 ओवर का खेल बचा है। मंच पर विराजमान है बेहतरीन ऑर्गेनाइजर आदरणीय जुनेद खान दुरानी साहब, मैच का आनंद लेते हुए। मिडल में जो दो टीमें खेल रही हैं, जैतापुर रॉयल्स इस समय पॉइंट टेबल में दूसरे पायदान पर हैं और कोहिनूर 90 पायदान पर। वसीम चले इस बार गेंद को खेला, ठीक तरह से गेंद बल्ले पर आई नहीं, गेंद गई थी पॉइंट क्षेत्र में केवल 1 रन के लिए, लेग बाई का इशारा। मैच को ऑफिशिएट कर रहे हैं युवा अंपायर होनहार शाजिब सिद्दीकी और नैनेश्वर अढ़ाव। वसीम चले लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से इस गेंद को खेला, गेंद बंदूक की गोली की रफ्तार से गई डीप एक्स्ट्रा कोर बाउंड्री पर। खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, बहुत ही शानदार फील्डिंग, केवल 1 रन। रन संख्या पहुंच गई 61 रनों पर। मौसम बहुत ही नमी है, इसी बीच डॉट गेंद कल से हम देख रहे हैं कि मौसम में बहुत ही बदलाव हो रहा है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी बहुत ही ज्यादा हो रही है, उसका असर इस समय देखने को मिल रहा है। फिलहाल हमारे स्टूडियो के घड़ी में 5:26 को होने को हैं और ठंड शुरू हो गई है। इसी बीच वसीम चले बहुत अच्छी गेंद गुडलिन पर, रन के लिए दौड़ पड़े वहां पर, थ्रो हुआ विकेट पर लेकिन सफल, पहुंच चुके थे बल्लेबाज, कोई नुकसान न हुआ। तो ठंड का यह असर यहां पर देखने को मिल रहा है। 22 के रूप में 1 रन जरूर यहां पर मिला। आसमान में बादल मंडरा रहे हैं और निकट भविष्य में देर रात तक शहर में हल्की हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना प्रकट हो गई है। इसी बीच वसीम चले लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से, ये गेंद बहुत अच्छी गेंद
कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे। शॉट ऑफ गुडलेन गेंद थी, खेलने का प्रयास, गेंद विकेटों के ऊपर से निकल गई, कोई रन न बना। गेंद उठाई वसीम ने और चल दिए वे अपने बॉलिंग मार्क पर। स्ट्राइकर बल्लेबाज हैं मोहम्मद अनीस, नॉन स्ट्राइक गेंद पर सैयद खिजर, वसीम चले। इस बार बैट टू बॉलर खेला, बहुत ही शानदार स्ट्रोक, चार रन, बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव, ओवर समाप्त। मेरे लीग में लगा छक्का, लगा चौका, लगा। क्रिकेट की लैंग्वेज में सबसे बेहतरीन सेफ स्ट्रोक अगर कोई है तो वे हैं स्ट्रेट ड्राइव, बॉलर के सर के ऊपर से, जो अभी भी खेला बल्लेबाज अनिस ने और स्वागत किया शेख वसीम का। मोहम्मद इमरान आए हैं, मोहम्मद इमरान खान बहलीन, इसी बीच पारी की अंतिम ओवर लेकर इस बार गेंद को उछालते हुए खेला, उस और कोई खिलाड़ी नहीं, और गेंद छह रनों के लिए मिड विकेट के ऊपर से। पाथरी प्रीमियर लीग में लगा छक्का, लगा लगा चौका, लगा लगा छक्का, लगा। बल्लेबाज थे सैयद खिजर फ्रॉम औरंगाबाद, उन्होंने इरादा किया पक्का और मार दिया मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का, स्वागत किया मोहम्मद इमरान का। इसी बीच इमरान राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार गेंद को खेला, उस और कोई खिलाड़ी नहीं, एक और सिक्सर स्क्वायर लेग के ऊपर से, बैक टू बैक सिक्सर फॉर मोहम्मद इमरान। और कोहिनूर चैलेंजर्स के फ्रेंचाइजी ऑनर सैयद गुलशेर खान साहब, इनकी ओर से 500 रुपए का पुरस्कार जा रहा है सैयद खिजर के लिए। और असद मामू इनकी ओर से भी 100 रुपए का पुरस्कार प्रति सिक्सर दिया जाएगा। इसी बीच बहुत अच्छी गेंद, दौड़ पड़े रन के लिए, एक और रन देने का प्रयास, एक रन मिला 22 के रूप में, और जो 30 रन बनाने के ऊपर इनाम रखा था 500 रुपए का, असद मामा इनकी ओर से जा रहा है सैयद खिजर के लिए। असद मामा इनकी ओर से 500 रुपए का पुरस्कार। सैयद खिजर बल्लेबाजी कर रहे हैं व्यक्तिगत 37 रनों पर, स्कोप किया, उस और कोई खिलाड़ी नहीं, जब तक लॉन्ग लेग के खिलाड़ी फाइन लेग तक दौड़ कर आते गेंद को रोकते, एक रन लेने का मौका। रन संख्या 80 कम्स अप फॉर कोहिनूर चैलेंजर्स। शानदार स्कोर बना है, आज मौसम बहुत ही नमी है, लगातार बादल आप देख सकते हैं। और अभी 6 भी नहीं बजे हैं कि सर्दी शुरू हो चुकी है। मोहम्मद इमरान हमसे दूर जाते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, बहुत अच्छी गेंद, दौड़ पड़े, विकेट कीपर फंबल और रन पूरा। इस ओवर में एक और 22, विकेट कीपर वहां पर शायद नियमित विकेट कीपर नहीं है, नियमित विकेट कीपर की कमी खल रही है जैतापुर रॉयल्स को। गेंद तो वो गैदर कर रहे हैं लेकिन थोड़ी सी गेंद छिटक जाती है, और गेंदबाज जो गेंद डॉट कराता है उस पर पानी फिर जाता है। इसी बीच रन संख्या पहुंच गई 81 रनों पर, 81। वेलकम फेरोस। इसी बीच मोहम्मद इमरान ऊंचा स्ट्रोक और 6 रन जाएगी गेंद, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार सिक्सर। पाथरी प्रीमियर लीग में लगा छक्का, लगा अंतिम गेंद पर शानदार सिक्सर लगाया सैयद
मोहम्मद अनीस ने, और कहीं ये सिक्सर ही मुकाबले में अंतर पैदा ना कर दें, क्योंकि रन संख्या बढ़कर पहुंच गई 87 रनों पर। जीत के लिए जैतापुर रॉयल्स को 88 रनों का लक्ष्य मिला है। ये पूर्व सूचना के साथ मैं कमेंटेटर नासिर बागवान अब आपको वापस स्टूडियो ले चलता हूं। जैसे ही दूसरी पारी का प्रारंभ होगा हम फिर से आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूं, जय हिंद, बजाइए। ऑटोमोबाइल आमच्या इथे सर्व नामांकित कंपनीचे टायर्स, ट्यूब, स्पेअर पार्ट्स, ऑइल, ट्रॅक्टरचे स्पेअर पार्ट, मळणी यंत्र आणि नांगर योग्य दरात मिळतील। सिलू कॉर्नर पाथरी, जिल्हा परभणी। प्रोप्रायटर घनश्यामदास कासट, प्रायोजक पाथरी प्रीमियर लीग। सरदार डिजिटल। फोटो स्टूडियो हाउस सर्विसेस, फोटोग्राफी, एचडी वीडियो शूटिंग, ड्रोन कैमरा शूट, ऑर्डर फॉर फंक्शंस एंड प्रोग्राम्स। एड्रेस इन फ्रंट ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल बिल्डिंग, मेन रोड पाथरी। प्रोप्राइटर सरवार खान, अकरम खान। ऑफिशियल स्पॉन्सर्स ऑफ पाथरी प्रीमियर लीग। सेवा मोबाइल शॉपिंग, पंचायत समिति कॉम्प्लेक्स पाथरी, येथे विविध कंपन्यांचे मोबाइल फोन व एक्सेसरीज मिळतील। प्रोप्रायटर नईम सिद्दीकी, प्रायोजक ऑफ पाथरी प्रीमियर लीग। शाहीन आईस्क्रीम पार्लर, आईस्क्रीम, कोल्ड ड्रिंक तसेच डेअरी व बेकरीचे सर्व पदार्थांसाठी पाथरी शहरातील नावाजलेले आईस्क्रीम पार्लर। पंचायत समिति कॉम्प्लेक्स पाथरी। प्रोप्रायटर मोहम्मद हाजी अंसारी, प्रायोजक पाथरी प्रीमियर लीग। सुहाना पान मटेरियल अँड कन्फेक्शनरी, गोळी, बिस्किट, कन्फेक्शनरीचे सर्व सामान रिटेल आणि होलसेल दरात खरेदी करण्यासाठी पाथरी शहरातील विश्वासू ठिकाण, नगर परिषद समोर, मेन रोड पाथरी। प्रोप्रायटर फेरोज तांबोळी, सनफरोज तांबोळी। प्रायोजक पाथरी प्रीमियर लीग। मोबाईल फोन ॲक्सेसरीज विक्री व दुरुस्तीसाठी योग्य ठिकाण अर्श मोबाईल शॉपिंग, पत्ता बाबा टॉवर पाथरी। प्रोप्रायटर जावेद पठाण, प्रायोजक पाथरी प्रीमियर लीग। किराणा सामान, कन्फेक्शनरी, चर्दा आणि पान सेंटरच्या साहित्यासाठी अशफाक किराणा अँड कन्फेक्शनरी, पोलीस स्टेशन समोर पाथरी। प्रोप्रायटर अशफाक अंसारी, प्रायोजक पाथरी प्रीमियर लीग। भरका देवी आईस्क्रीम, बेहतर क्वालिटी, बेहतरीन व्हरायटी, विविध प्रकारचे आईस्क्रीम, कुल्फी व लस्सी मिळतील। बाबा टॉवर, मेन रोड पाथरी। प्रोप्रायटर शेख शाहिद, प्रायोजक पाथरी प्रीमियर लीग।
साड़ी, सुटिंग शर्टिंग, ड्रेस मटेरियल, जीन्स, घागरा यांसारख्या आकर्षक व दर्जेदार कपड़े खरेदीसाठी पाथरी शहरातील अग्रगण्य ठिकाण बॉम्बे कलेक्शन, पत्ता पंचायत समिति कॉम्प्लेक्स पाथरी, प्रोप्रायटर बजरंग कुटे, प्रायोजक पाथरी प्रीमियर लीग। सीड्स अँड फर्टिलायझर्स विश्वास शेतकऱ्यांचा। सर्व प्रकारचे रासायनिक खते, बी बियाणे, औषधी, कीटकनाशके आणि तणनाशके योग्य दरात मिळण्याचं पाथरी शहरातील अग्रगण्य ठिकाण बस स्टँड समोर पाथरी। प्रोप्रायटर गोविंद बाहेती, प्रायोजक पाथरी प्रीमियर। तो टॉस जीता है यहां पर एकता नगर चैंपियंस के कप्तान ने, मुस्तफा शाह क्या करना चाहेंगे आप? इंशाल्लाह बैटिंग करेंगे। इंशाल्लाह बैटिंग करेंगे। प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव किया है आपने? जी हाँ, अब्दुल समी की जगह रिप्लेसमेंट प्लेयर हमने सलमान खान को लिया, इमरान खान की जगह पे। इमरान खान की जगह पर सलमान खान को लाए आप। क्या टारगेट रहेगा आपको कि आज सुबह से जो आपने इस मैदान पर मैचेस देखे हैं, तो आपका क्या टारगेट रहेगा कि कितना टारगेट सेफ मानकर चलते हैं आप? इंशाल्लाह जैसे मैचेस हो रहे हैं तो 80 प्लस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सामने वाले टीम का बॉलिंग अटैक भी अच्छा है और बल्लेबाजी भी अच्छी है। तो किस बल्लेबाज से आपको सबसे ज्यादा उम्मीद है आपके टीम की ओर से? मंगल काले, असपर मिर्जा और समद भाई, ये तीनों से आपको बहुत उम्मीद है। शुक्रिया। पहली गेंद, स्ट्राइक पर है सद्दाम सिद्दीकी, सामना करेंगे परवेज खान की गेंदबाजी का। व्यक्तिगत पहला और टीम के लिए पहला ओवर लेकर आए हैं। इस बार इस गेंद को बैक टू द बॉलर खेलना चाहा, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संबंध नहीं, बाकी का काम पूरा किया विकेटकीपर खीजर ने। गेंद अन्य खिलाड़ियों की मदद से वापस जा रही है गेंदबाज परवेज खान के पास। परवेज खान फिर से तैयार अगली गेंद करने के लिए, राइट आर्म ओवर दी विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं कमेंट्री बॉक्स एंड से। इस बार उछाल कर खेला, गेंद हवा में है और लाजवाब कैच मुबीन का। जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम इस कैच की। उल्टा दौड़े थे इस बार। पाथरी प्रीमियर लीग आयोजक जुनेद खान दुरानी। हेलो हेलो PPL 88 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए जैतापुर रॉयल्स का पहला विकेट गिरा है। जीरो रन के स्कोर पर बेहतरीन शुरुआत दिलाई है परवेज खान ने। जीरो रन के स्कोर पर व्यक्तिगत पहला और टीम के लिए पहला विकेट दिलाया यहां पर, बिना कोई रन बनाई दो गेंदों का सामना कर सद्दाम सिद्दीकी कैच आउट होकर पवेलियन वापिस गए हैं। लेकिन क्या गजब का कैच लपका है मुबीन, जो कि स्थानीय खिलाड़ी है। आखिरी वक्त तक गेंद पर निगाहें जमाए रखी और बेहतरीन कैच लपका। और क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है कैचेस विन द मैचेस, उसी नक्शे कदम पर चलती हुई फिलहाल कोहिनूर चैलेंजर्स की टीम एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया है 88 रनों का। अब खुद कैप्टन आए हैं तौसीफ बल्लेबाजी के लिए। बेहतरीन शुरुआत गेंदबाज परवेज खान द्वारा, जो कि कैप्टन है। तौसीफ इनामदार जो कि कैप्टन है, स्थानीय खिलाड़ी है, क्रिकेट की दुनिया में पाथरी में काफी नाम गमाया है, लेकिन उनका बल्ला इस टूर्नामेंट में शांत है। अगर उनका बल्ला चल जाए तो जैतापुर रॉयल के वारे न्यारे हो सकते हैं,
लेकिन इस टूर्नामेंट में अब तक जिस तरह की उनसे उम्मीद है उसके अनुरूप बल्लेबाजी देखने को नहीं मिली है। फिलहाल नॉन स्ट्राइकर एंड पर है, स्ट्राइक पर है मोहम्मद वसीम। रिवर्स स्वीप करना चाहा लेकिन गेंद के लाइन तक नहीं आ पाए, गेंद पैरों पर टकराई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं इस गेंद पर। डॉट गेंद ये अच्छा ओवर आता हुआ ये कोहिनूर चैलेंजर्स के लिए पहला। तीन गेंदों में एक विकेट गिरा है, जीरो रन स्कोर है। कसी भी गेंदबाजी की शुरुआत की है कैप्टन परवेज खान ने। राइट आर्म राउंडी विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, गति में परिवर्तन, खेलना चाहा था मिड विकेट के ऊपर से लेकिन बल्ला पहले घुमा, गेंद बाद में निकली क्योंकि गेंद में परिवर्तन किया गया था। स्लोअर वन, गति में परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस डिलीवरी जिसे कहा जाता है, जानबूझकर ये गेंद स्लोअर वन कराई थी, भाप गए थे, सोच लिया था, जान गए थे कि बल्लेबाज लंबा स्ट्रोक लगाने के प्रयास में है, तुरंत अपने हाथ को धीमा कर दिया, तेज गति के बजाय धीमी गति की गेंद की, डॉट गेंद रही। फिर से तैयार अगली गेंद करने के लिए, फील्डिंग में परिवर्तन, इस बार फिर से स्लोअर वन, लाजवाब गेंदबाजी, काबिले तारीफ ओवर कर रहे हैं ये, जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम क्योंकि क्रिकेट इतना फास्ट हो चुका है। अमूमन तौर पर देखने को मिलता है पावर प्ले के ओवर में बल्लेबाज गेंदबाज की जमकर धुनाई कर रहे हैं, लेकिन इस ओवर में विपरीत परिणाम देखने को मिला है। पांच गेंदों में कोई रन नहीं दिया है और एक विकेट चटकाया है, काबिले तारीफ गेंदबाजी परवेज खान द्वारा। अगली गेंद परवेज खान की, रिवर्स स्वीप करने का प्रयास, जोरदार अपील, टुकराया उस अपील को अंपायर ने, ओवर समाप्त हुआ ये पहला मेडन ओवर विकेट। अंपायर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य रहेगा, एक ओवर का खेल समाप्त हुआ है। मेडन ओवर पर 500 रुपए का इनाम आया है कोहिनूर चैलेंजर्स के ओनर सैयद गुलशेर खान उर्फ गुलशेर मामा की ओर से, 500 रुपए का इनाम मेडन ओवर विकेट के लिए। कोहिनूर चैलेंजर के ओनर उत्साहित हुए, खुश हुए इस गेंदबाजी को देखकर, और सैयद गुलशेर खान उर्फ गुलशेर मामा इनकी ओर से 500 रुपए का इनाम आया है। कसी भी गेंदबाजी की शुरुआत हुई है, 88 रन का लक्ष्य का पीछा कर रही है जैतापुर रॉयल्स की टीम। फिलहाल एक ओवर का खेल समाप्त हुआ है, एक विकेट के नुकसान पर जीरो रन बने हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं पहला ओवर कितना शानदार किफायती किया था कैप्टन परवेज खान ने। फिलहाल व्यक्तिगत पहला और टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर आए हैं रोहित देवरे, जो कि ऑरेंज कैप की रेस में तीसरे या चौथे नंबर पर चल रहे हैं, तीसरे नंबर पर चल रहे हैं इस टूर्नामेंट में। अगली गेंद तौसीफ ने इस गेंद को उछाल कर खेला, मिड ऑफ के ऊपर से एक टप्पा खाने के बाद गेंद गई चार रनों के लिए। पाथरी प्रीमियर लीग में सहायता से अपना और अपने टीम का खाता खोला तौसीफ इनामदार ने। इसी बल्लेबाजी के लिए वे जाने जाते हैं, खुलकर खेलना पसंद करते हैं, चौके छक्के लगाने में महारत हासिल है स्थानीय खिलाड़ी तौसीफ इनामदार, जो कि कैप्टन है जैतापुर रॉयल्स के। देखना यह है कि आज क्या कर पाते हैं टीम के ओनर ताजुद्दीन फारूकी और साजिद राज साहब को काफी सारी उम्मीदें होगी इस बल्लेबाज से। गति में परिवर्तन, स्लोअर वन गेंद, डॉट गेंद, चतुराई भरी गेंद, जैसे ही चौका खाया दूसरी गेंद में गति परिवर्तन कराकर डॉट कराया रोहित देवरे ने। चार रन बने हैं एक विकेट के नुकसान पर, दूसरी ओवर का खेल जारी है,
रोहित देवरी की अगली गेंद। इस बार मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में खेला हुआ शॉक, जब तक कि गेंद को फील्ड कर दे कैप्टन परवेज खान। समय था एक रन दौड़कर पूरा करने का, इस एक रन की सहायता से बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 5 रनों पर। पांच रन एकमात्र विकेट के नुकसान पर। दूसरी ओवर का खेल जारी है, स्ट्राइक पर है अब अब्दुल वहीद उर्फ वसीम। इस बार घूमकर खेला हुआ स्ट्रोक, डीप वाइन लेग बाउंड्री लाइन की दिशा में गेंद जा रही है और गेंद गई 4 रनों के लिए। इस बार पाथरी प्रीमियर लीग में लगा। इस वक्त डाइस पर मौजूद है इस टूर्नामेंट के सर्व सर्वा, इस टूर्नामेंट के आयोजक जुनेद खान दुरानी साहब, उनके साथ मौजूद है सैयद मुख्तार अली, एकता नगर चैंपियंस के फ्रेंचाइजी ओनर तथा नगर सेवक बांधकाम सभापति नगर परिषद पाथरी लालू खान साहब, पठान मोहल्ला पख्तून के फ्रेंचाइजी ओनर और नगर सेवक भी हैं। अगली गेंद करेंगे फिर से रोहित देवरे, स्कोर जा पहुंचा है 9 रनों पर। फुल टॉस गेंद थी, रिवर्स स्वीप करना चाहा, वाइड बॉल का इशारा अंपायर नैनेश्वर अड़ा उर्फ काका का। इसे एक अतिरिक्त रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा 10 रन। रोहित देवरे अपने कोटे का पहला ओवर कर रहे हैं, 10 रन दिए हैं अब तक इस ओवर में और केवल 4 गेंदें की है। अगली गेंद इस बार बैक टू द बॉलर, गेंद हवा में है और गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 6 रनों के लिए, फ्लाइट 6 ही है। पाथरी प्रीमियर लीग में लगा छक्का लगा। इन 6 रनों की सहायता से बढ़ता हुआ स्कोर जहां पहुंचा 16 रनों पर। लाजवाब बल्लेबाजी की शुरुआत की है सलामी बल्लेबाज अब्दुल वहीद और वसीम ने, अब तक इस ओवर में 16 रन बटोरे हैं। अंतिम गेंद इस ओवर की अब, बाएं हाथ के बल्लेबाज अब्दुल वहीद और वसीम इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर है, फिर से सामना करेंगे रोहित देवरी की अगली गेंद का। हालांकि पहला ओवर मेडन गया था परवेज खान का, लेकिन इस ओवर में जमकर धुनाई की और 16 रन बटोरे। और ये गेंद सीधे स्टंप पर टकराई लेकिन बेल्स नहीं गिरी, शायद बेल्स नहीं गिरी है, अंपायर अपना निर्णय बताएं। नॉट आउट है, जी हां बेल्स जमीन पर नहीं गिरी है, किस्मत के घोड़े पर सवार अब्दुल वहीद और वसीम, और किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है। फिलहाल सुरक्षित, क्योंकि गेंद स्टंप पर टकराने के बावजूद भी बेल्स नहीं गिरे, इंटरनेशनल नियमों के अनुसार बेल्स को गिरना जरूरी होता है, तो सुरक्षित रहे। 16 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद जो मैच होगा वो मैच रहेगा एकता नगर चैंपियन वर्सेस पठान मोहल्ला पख्तून के बीच, जिसमें टॉस जीता एकता नगर चैंपियन के कैप्टन ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। मुस्तफा शाह
एक तरह का चैंपियन के कैप्टन टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। पठान मौला पख्तून की प्लेइंग 11 लिस्ट आ चुकी है। लईक अंसारी विकेट कीपर, कैप्टन इमरान खान, राजेश राठौड़, निसार बागवान, शेख जावेद, इलियास देशमुख, सद्दाम देशमुख, शेख फेरोज, अदनान खान, मोइन तौफीक और 12th मैन है आकाश। इस तरह से ये लिस्ट है पठान मोहल्ला पख्तून की। सोलह रन बने हैं। गेंदबाजी में परिवर्तन, मोहम्मद अनीस आए हैं गेंदबाजी के लिए। एकता नगर चैंपियन की लिस्ट आ चुकी है। एकता नगर चैंपियन की लिस्ट इस प्रकार है, मुस्तफा शाह कैप्टन, समद अतार विकेट कीपर, असफर मिर्जा, सलमान खान, मंगल काले, प्रहलाद तिघे, गोविंद, नईम अंसारी, स्वप्निल साबड़े, सुरेश मांडोलकर और विश्वास। इस बार अंदर की तरफ गेंद आई, गेंदबाज खुद तेजी से दौड़ कर गए, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं इस गेंद पर। और 12th मैन है मोहम्मद मुख्तार, मोहम्मद मुश्ताक 12th मैन है। इस बार ये गेंद दबा खाने के बाद नीचे रही, परेशान कर रहे हैं गेंदों से बल्लेबाज तौसीफ को। तौसीफ इनामदार इस वक्त झूंझ रहे हैं। गेंदों का सामना करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अगली गेंद मोहम्मद अनीस की और बोल्ड कर दिया, गजब की गेंद टपक खाने के बाद सीधे स्टंप पर टकराई और पवेलियन वापिस तौसीफ इनामदार। पाथरी प्रीमियर लीग आयोजक जुनेद खान दुरानी। PPL बल्लेबाजी के लिए आए हैं एक बेहतरीन बल्लेबाज मोहम्मद इमरान। अच्छा बल्लेबाज है ये, फिलहाल दो विकेट गिर चुकी हैं 16 रन के स्कोर पर, जबकि ये तीसरी ओवर का खेल जारी है। लाजवाब ओवर आता हुआ ये कोहिनूर चैलेंजर्स के लिए, एक विकेट चटकाया है बिना कोई रन दिए तीन गेंदों में मोहम्मद अनीस ने। अगली गेंद करने के लिए फिर से तैयार है अभी अभी आए बल्लेबाज जो कि स्ट्राइकर एंड पर है मोहम्मद इमरान को। परिस्थिति के अनुरूप खेलने में महारत हासिल है, देखना यह है कि आज अपने लिए और अपने टीम के लिए क्या कर पाते हैं। मोहम्मद अनीस की अगली गेंद, इस बार कलाइयों का इस्तेमाल कर खेला, डीप मिड विकेट से खिलाड़ी आते गेंद को फील्ड करते वापस करते, तब तक समय था बल्लेबाजों के पास एक रन दौड़कर पूरा करने का। इस एक रन की सहायता से मोहम्मद इमरान ने अपना खाता खोला, टीम का स्कोर जा पहुंचा 17 रन। अब स्ट्राइक पर है आक्रामक बल्लेबाज अब्दुल वहीद उर्फ वसीम, 10 रन के स्कोर पर खेल रहे हैं एक छक्का और एक चौके की सहायता से।
इस बार कड़ा प्रहार करना चाहा मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संबंध नहीं। विकेट कीपर खिजर ने गेंद को गैदर किया, कोई रन न बना इस गेंद पर। डॉट गेंद, ये लाजवाब गेंदबाजी होती हुई। इस ओवर से केवल एक रन आया है और एक विकेट चटकाया है। जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम इस गेंदबाज की इस ओवर में, क्योंकि क्रिकेट काफी फास्ट हो चुका है। एक रन देना यानी कि इस बार थोड़ा सा ऑफ स्टंप पर आकर हल्के हाथों से स्वीप किया इस गेंद को डीप फाइन लेग के स्थान पर। जब तक के डीप फाइन लेग के खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते, एक रन आसानी के साथ दौड़कर पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। तीन ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर से क्या होगा ये बताने के लिए मराठी के कॉमेंटेटर इर्शाद बागवान आ रहे हैं। मी कॉमेंटेटर इर्शाद बागवान, सर्व रसिक प्रेक्षकांना माझा नमस्कार। आत्तापर्यंत हिंदीमधून आपण समालोचन ऐकत होता। माझे सहकारी कॉमेंटेटर वाजेद खान, जिंकण्यासाठी 88 धावांचं लक्ष जैतापूर रॉयल संघाला। तीन षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होते ती 15, 2-15 सॉरी 18, 30 चेंडूमध्ये 70 धावांची आवश्यकता हा सामना जिंकण्यासाठी जैतापूर रॉयल संघाला। मैदानावरती जे दोन फलंदाज त्यांना चौकार आणि षटकारांची आतिषबाजी करावी लागेल तरच हा सामना जैतापूर रॉयल संघाला जिंकता येईल। याच्यानंतर होणारा सामना एकता नगर चॅम्पियन्स वर्सेस पठाण मोहल्ला पख्तुन्स। दरम्यान पुन्हा एकदा मैदानावरती सामना सुरू होतोय। 30 चेंडू 70 धावा, सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये धुमाकूळ घालत असलेली स्पर्धा पीपीएल पाथरी प्रीमियर लीग सीझन 2। या स्पर्धेचे आयोजक संयोजक आणि मार्गदर्शक आदरणीय जुनेद भैया दुर्रानी यांच्या दूरदृष्टिकोनातून साकारत असलेली ही स्पर्धा 190 देशामध्ये आपण यूट्यूबवरती याचं लाईव्ह प्रसारण पाहू शकतो। याचं श्रेय जात आहे राज इंटरनेट सर्व्हिस आणि आमचे सर्व कॅमेरामन आदरणीय जुनेद भैया दुर्रानी आणि त्यांचे सर्व सहकारी यांच्या अथक प्रयत्नातून संपूर्ण महाराष्ट्रामधील सर्वात मोठी टेनिस बॉलची क्रिकेट स्पर्धा, क्रिकेटचा महासंग्राम, क्रिकेटचा रणसंग्राम, क्रिकेटचा महाकुंभ मेळा, पहिला चेंडू स्ट्रेट ड्राइव केलेला चेंडू क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी परवेज खान कोहिनूर चॅलेंजर संघाचा कर्णधार। एक धाव गोलंदाज पुन्हा एकदा रोहित देवरे। अनेक मान्यवर व्यासपीठावरून बसून या सामन्याचा आनंद घेत असताना आपण पाहतोय स्ट्राइकचा फलंदाज मोहम्मद इम्रान। नॉन स्ट्राइकचा फलंदाज अब्दुल वहीद उर्फ वसीम। संघाचं चौथा आणि वैयक्तिक दुसरं षटक गोलंदाज रोहित। आखूड टप्प्याचा चेंडू लेगस्टिकच्या बाहेर असणारा वाईड चेंडू अवांतर धाव। अंपायर ज्ञानेश्वर आडाव यांचा इशारा, अतिरिक्त धावेने धावसंख्येत भर। धावसंख्या होती ती 20। पुन्हा एकदा एक चोरटी धाव घेण्याचा प्रयत्न। एक धाव एका धावेने धावसंख्या वाढते, धावसंख्या होती ती 21। आता एकेरी दुहेरी धावा काढून चालणार नाही, चौकार आणि षटकाराची आतिषबाजी करावी लागेल कारण धावा आणि चेंडू यातील अंतर बरंच। मैदानावरती आपण अनुभवतोय क्रिकेटचा थरार, क्रिकेटचा महासंग्राम। या स्पर्धेचा आजचा हा 10वा दिवस
आणि 61वा सामना मैदानावरती सुरू आहे. कोहिनूर चॅलेंजर संघाचे संघमालक सय्यद गुलशेर खान उर्फ गुलशेर मामा, जैतापूर रॉयल संघाचे संघमालक साजिद राज आणि ताजुद्दीन फारुकी. दरम्यान अप्रतिम असा थोडासा वेगवान असा चेंडू फलंदाजाला चकवून सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये, कोणतेही धाव नाही. आता मात्र धावांसाठी संघर्ष करताना दिसतोय अब्दुल वहीद गोलंदाज रोहित देवरे. फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू, कडक कडकडीत प्रहार, चौकार. पाथरी प्रीमियर लीग में लगा छक्का लगा, लगा चौका लगा, लगा छक्का लगा, लगा चौका लगा, लगा. अब्दुल वहीदच्या बॅट मधून निघालेला हा चौकार, धावसंख्या वाढते, धावसंख्या वाढते ते 25. पुन्हा एकदा कडक कडकडी प्रहार, षटकार. अप्रतिम असा षटकार. थोडस महागड षटक, एक चौकार, एक षटकार. संघाचं चौथं षटक मैदानावरती टाकलं जात आहे. गोलंदाज रोहित देवरे पहिल्या षटकामध्ये सुद्धा रोहित देवरेच्या गोलंदाजीवरती दोन चौकार आणि एक षटकार मारला होता. आता या षटकामध्ये सुद्धा एक षटकार, एक चौकार. या षटकातील शेवटचा चेंडू अप्रतिम असा षटकार. फलंदाज अब्दुल वहीद आणि मोहम्मद इब्रान ही जोडी मैदानामध्ये, जर्सी नंबर 17, जर्सी नंबर 18. पाहूया 17 आणि 18 नंबरची ही जोडी आपल्या संघाला विजय मिळवून देण्यात यशस्वी ठरते का. दरम्यान या षटकातील शेवटचा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज गोलंदाज रोहित देवरे. स्ट्राईकचा फलंदाज अब्दुल वहीद. यावेळी पुन्हा एकदा उत्तुंग असा फटका मारण्याचा विचार, प्रयत्न फसतोय. चेंडू सरळ यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये जातोय. चेंडू आणि बॅटचा संपर्क होत नाहीये. धावसंख्या होते ती 31. चार षटकाच्या समाप्तीनंतर 31. जिंकण्यासाठी 24 चेंडू, 57 धावा. कालच्या सामन्यामध्ये पाहिलं होतं आपण 24 चेंडूमध्ये 57 धावा करायच्या होत्या व्ही आय पी वॉरियर्सला आणि एक हाती विजय मिळवून दिला होता मधुर धुलेने. दणदणीत अशी फलंदाजी केली होती. 24 चेंडूमध्ये 57 धावांची गरज होती आणि 20 चेंडूमध्ये 57 धावा वसूल केल्या होत्या बालाजी काळे आणि मधुर धुले. एक दणदणीत असा विजय मिळवला होता व्ही आय पी वॉरियर्सने. तशाच प्रकारच्या आक्रमक फलंदाजीची गरज, कारण 24 चेंडू, 57 धावा. क्रिकेटमध्ये सर्व काही शक्य आहे. अतिशय रोमांचकारी आणि थरारक असे सामने या पाथरी प्रीमियर लीगच्या सीझन 2 मध्ये आपण पाहिले, अनुभवले. पाथरीकरांचा आशा स्थान, युवक नेतृत्व, आदरणीय जुनेद भैया दुर्रानी यांच्या संकल्पनेतून साकारलेला पीपीएल पाथरी प्रीमियर लीग सीझन 2. गोलंदाजीसाठी मोहम्मद अनीस. वैयक्तिक दुसरा आणि संघाचं पाचवं षटक टाकण्यासाठी सज्ज
स्ट्राइक सा फलंदाज मोहम्मद इमरान, 24 चेंडू 57 धावा। थोड़ा सा अकूट टप्प्याचा चेंडू, चेंडू जातो स्क्वेअर लेगच्या दिशेने, एक धाव घेण्यात यश, 23 चेंडू 56 धावा। दरम्यान गोलंदाज मोहम्मद अनीस वैयक्तिक दुसरा आणि संघाचं पाचवं षटक समालोचन कक्ष एंडकडून गोलंदाजी करतोय मोहम्मद अनीस। यावेळी मात्र पुन्हा एकदा स्ट्राइकवर अब्दुल वसीम, एक स्फोटक फलंदाज अब्दुल वसीम। पुन्हा एकदा अपयश येतंय फलंदाजाला, पुढे येऊन सरसावून मारण्याचा विचार, कारण आक्रमक अशी फलंदाजी करावी लागेल हा सामना जिंकण्यासाठी। प्रत्येक निर्धाव चेंडू हा चेंडू आणि धावामधील अंतर वाढवतोय। बावीस चेंडू 56 धावा। यावेळी मात्र एक धाव घेतली, चेंडू जातोय। पुन्हा एकदा स्ट्राइकवर मोहम्मद इम्रान, 21 चेंडू 55 धावा। वैयक्तिक दुसरा आणि संघाचं पाचवं षटक टाकतोय गोलंदाज मोहम्मद अनीस, स्ट्राइकचा फलंदाज मोहम्मद इम्रान। सुरेख असा स्क्वेअर कट क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी, एकच धाव। वीस चेंडू 54 धावा। वीस चेंडू 54 धावा। कडक कडकडीत असा प्रहार, षटकार, लॉंग रेंजच्या दिशेने मारलेला षटकार। लगा छक्का लगा, लगा चौका लगा, लगा छक्का लगा, लगा चौका लगा, लगा। 19 चेंडू 48 धावा। जोपर्यंत 18 नंबर जर्सी अब्दुल वहीद मैदानावरती, तोपर्यंत अजूनही जैतापूर रॉयल संघाच्या आशा जिवंत या सामन्यामध्ये परतण्याच्या। 19 चेंडू 48 धावा। गोलंदाज मोहम्मद अनीस। रिव्हर्स स्वीपचा फटका मारण्याचा विचार, प्रयत्न फसतोय, या षटकाची समाप्ती। 18 चेंडू 48 धावा। याच्यानंतर या सामन्यामध्ये काय होतं याचं मैदानावरील विवरण महाराष्ट्रातील सुप्रसिद्ध हिंदी कॉमेंटेटर मिस्टर नासेर बागवान यांना मी समालोचन कक्षामध्ये आमंत्रित करतो। 18 चेंडू 48 धावा। गुड इवनिंग टू लिसनर्स, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं कमेंटेटर नासिर बागवान पाथरी के इस खूबसूरत पीपीएल मैदान से आप सभी सुनने वालों का स्वागत करता हूं। फिलहाल 18 गेंदें बची हैं और रन चाहिए 48। 18 गेंदें 48 रन,
बहुत ही मुश्किल ज़रूर हैं, लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। कभी कभी बहुत ही मुश्किल से लगने वाला मुकाबला बड़ा ही आसान हो जाता है, और कभी कभी आसान सा लगने वाला मुकाबला बहुत ही मुश्किल बन जाता है। इसीलिए क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल माना गया। इसमें अनिश्चितता बरकरार रहती है। जो अच्छा खेलता है वही जीत हासिल करता है। इसी बीच गेंदबाजी के लिए आए हैं शेख मुबीन, कोहिनूर की ओर से एकमात्र हैट्रिक वीर। उनके सामने जो खिलाड़ी हैं वे हैं मोहम्मद इमरान, बेहतरीन ऑलराउंडर मराठवाड़ा। खेलना चाहते थे टॉप एज लगा गेंद, थर्ड मैन बाउंड्री से बाहर, चार रन। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। मोहम्मद इमरान खेलना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन बॉटम हैंड लगा, टॉप एज लगा, गेंद निकल गई थर्ड मैन बाउंड्री से बाहर। चार रन यहां पर मिले जैतापुर रॉयल्स को। 17 गेंदे बची हैं और रन चाहिए 44। मंच पर विराजमान हैं बेहतरीन ऑर्गेनाइजर जुनेद खान दुर्रानी, खास मुंबई से आए जनाब यूसुफ खान दुर्रानी साहब, लालू खान साहब। इसी बीच खराब गेंद, निश्चित तौर से वाइड होने चाहिए, लेकिन क्षमा चाहता हूं, थोड़ा सा शायद लाइन के अंदर पाया अंपायर ने, और डॉट गेंद। इसी बीच मंच पर विराजमान लालू खान साहब, मुख्तार अली साहब नगर सेवक तथा इसी शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी कासट सेठ, गायकवाड़ सर और सन्माननीय होगे सर। इसी बीच बहुत अच्छी गेंद, डॉट गेंद। मंच पर दरगाह मोहल्ला फाइटर्स के फ्रेंचाइजी ओनर जनाब मोइज मास्टर साहब, किरण भाले पाटिल साहब भी मैच का आनंद ले रहे हैं। साथ हैं किंग्स इलेवन फकराबाद के फ्रेंचाइजी ओनर जनाब नज़ीर पटेल साहब, लईक सर और मंच पर उपस्थित गणमान्य अतिथि, आप सभी का स्वागत। मोबिन चले, ऊंचा स्ट्रोक, गेंद हवा में और डीप लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के ऊपर से 6 रन, शानदार सीजन। पाथरी प्रीमियर लीग में लगा छक्का, लगा चौका, लगा छक्का, लगा चौका, लगा छक्का, लगा चौका। और इसी के साथ 50 रन पूरे हुए जैतापुर रॉयल्स के 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही लंबा छक्का मोहम्मद इमरान ने इरादा किया पक्का, और मार दिया डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से, शानदार छक्का, स्वागत किया मुबीन का। अब गेंदें बची हैं 14, रन चाहिए 38। मुबीन चले, ऑप्शन से बहुत ज्यादा बाहर, वाइट का इशारा, 1 रन, गेंद दोबारा करनी होगी मुबीन को। चौदह गेंदें बची हैं और रन चाहिए 37, रन चाहिए 37, गेंदें बची है 14। सस्ता नहीं है ये जैतापुर के लिए सौदा, क्योंकि अब गेंदें मात्र बची हैं 14। इसी बीच मुबीन, पुल किया और गेंद 6 रनों के लिए मिड विकेट के ऊपर से, शानदार सिक्स। पाथरी प्रीमियर लीग में लगा छक्का, लगा चौका, लगा छक्का, लगा चौका, लगा।
ये हैं वो खिलाड़ी जिनमें मैच को पलटने की क्षमताएं हैं। मोहम्मद इमरान बहलीम मराठवाड़ा का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर कोई है तो वो ये मिडल में खेल रहा बल्लेबाज है। अब गेंदें बची हैं 13, जीत के लिए रन चाहिए 31। अब दर्शकों से मैं पूछता हूं, रन चाहिए 31, गेंदें बची हैं 13, देखना किसके सर होता है जीत का सेहरा। और अब जैतापुर को ये मुकाबला जीतना है तो 13 को पलटना होगा, और यदि 13 को पलट दिया जाए तो 31 रन बन जाते हैं। जैतापुर को यदि ये मुकाबला जीतना है तो उन्हें 13 को पलटना होगा। मोहम्मद इमरान तैयार, 13 गेंदे 31 रन। बहुत ही शानदार मुकाबला मिडल में खेला जा रहा है जैतापुर रॉयल्स वर्सेस कोहिनूर चैलेंजर्स के बीच। मुबीन तैयार राइट आर्म राउंड द विकेट से, ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, उसे खोद निकाला, पहला रन लिया, दूसरे के लिए दौड़ रहे हैं और पहुंच गए हैं दूसरा रन पूरा। वेट कीजिए,
ओवर समाप्त, तो दो रन यहां पर मिले अंतिम गेंद पर, कुल रन संख्या पहुंच गई 59 रनों पर 59। अब गेंदें बची हैं 12 और रन चाहिए 29, 12 गेंदें 29 रन। गेंदबाजी के लिए आए हैं कोहिनूर चैलेंजर्स के कप्तान परवेज खान, स्ट्राइक पर हैं वसीम, नॉन स्ट्राइक एंड पर मोहम्मद इमरान खान। मैच का आनंद लेते हुए दोनों ही टीमों के मालिक फ्रेंचाइजी ऑनर कोहिनूर चैलेंजर्स के जनाब सैयद गुलशेर खान साहब उर्फ गुलशेर मामा, और दूसरी तरफ जैतापुर रॉयल्स के फ्रेंचाइजी ऑनर हैं साजिद अली राज साहब और ताजुद्दीन फारूकी भी मैच का आनंद ले रहे हैं। ऊंचा स्ट्रोक गेंद हवा में, नीचे खिलाड़ी और आसान कैच ड्रॉप, एक आसान सा कैच ड्रॉप किया लॉन्ग ऑफ पर, सुलेमान थे फील्डर लॉन्ग ऑफ पर, उन्होंने जीवन दान दिया बल्लेबाज वसीम को, एक रन भी मिला। अब गेंदें बची हैं 11 और रन चाहिए 28, 11 गेंदें 28 रन। परवेज खान राइट आर्म ओवर द विकेट से कमेंट्री बॉक्स एंड से, सामने हैं मोहम्मद इमरान खान। अब दोनों तीनों ही खिलाड़ी औरंगाबाद से हैं, वसीम भी, इमरान भी और परवेज खान भी। बहुत अच्छी गेंद थी उसे खेला, गेंद जा रही है डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच से, जब तक सुलेमान गेंद को फील्ड करें मौका था मोहम्मद इमरान के पास दूसरा रन पूरा करने का, और इन दो रनों की सहायता से रन संख्या बढ़कर पहुंच गई, रन संख्या है इस समय 62। मैच का आनंद ले रहे हैं 61 क्योंकि रन संख्या है 62। गेंदें बची हैं 10। बहुत अच्छा स्ट्रोक, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक, गेंद गई डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ एक रन के लिए। मोहम्मद इमरान पहुंच गए नॉन स्ट्राइक एंड पर, और स्ट्राइक पर हैं बाएं हाथ के खिलाड़ी शेख वसीम। गेंदें बची हैं 9 और रन चाहिए 25, 9 गेंदें 25 रन। बड़ा ही जबरदस्त मुकाबला, लेकिन मोहम्मद इमरान और वसीम हैं तब तक उम्मीद बनी रहेगी जैतापुर रॉयल्स को। इसी बीच परवेज खान शानदार गेंदबाजी करते हुए, गेंद को खेला, दौड़ पड़े एक रन के लिए, लेग बाई का इशारा हुआ। युवा अंपायर हैं शाजेब सिद्दीकी और स्क्वायर लेग अंपायर हैं नैनेश्वर अढ़ाव। अब 8 गेंदें बची हैं और रन चाहिए 24। यदि जैतापुर रॉयल्स को ये मुकाबला जीतना है तो अब जमीनी हमलों से बात बनेगी नहीं, हवाई फायर उन्हें अब करने पड़ेंगे। और दूसरी तरफ विकेट यहां पर चटकानी होगी मोहम्मद इमरान की, कोहिनूर के गेंदबाजों को। परवेज चले इस बार हवा में गेंद, थोड़े से फंबल, खिलाड़ी दूसरा रन ले रहे हैं, थ्रो हुआ डायरेक्ट हिट,
लेकिन अंपायर के अनुमान के मुताबिक खिलाड़ी पहुंच गए हैं। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। आज किस्मत काफी साथ देती हुई मोहम्मद इमरान बहलीम का साथ दे रही है। सात गेंदे बची हैं और रन चाहिए 22 जीत के लिए जैतापुर रॉयल्स को। 22 रन चाहिए लेकिन उसके लिए गेंदे बची हैं सात। देखना यह है किस्मत किसका देती है सात, क्योंकि गेंदे बची हैं मात्र सात और रन चाहिए 22। परवेज खान ने अब तक कोई बड़ा स्ट्रोक खेलने का मौका दिया नहीं इस ओवर में। अब अंतिम गेंद होगी इस ओवर की। बहुत ही लाजवाब ओवर रहा परवेज खान का। काफी अनुभवी है परवेज खान भी, कोहिनूर के कप्तान हैं। सात गेंदे 22 रन। लॉन्ग ऑन मिड विकेट डीप स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, डीप पॉइंट बाउंड्री पर प्रवेश चले। धीमी गेंद, चेंज ऑफ पेस, नकल गेंद की। बहुत ही अकलमंद परवेश खान। शानदार ओवर, केवल इस ओवर से सात ही रन खर्च किए और परवेश खान ने किसके सामने गेंदबाजी की? मोहम्मद इमरान खान और शेख वसीम के सामने। लाजवाब। वाकई में आज परवेज खान ने तो कमाल कर दिया। पहला ओवर भी उन्होंने मेडन ओवर किया था। काफी खुश होंगे उनके फ्रेंचाइजी ऑनर परवेज खान के इस प्रदर्शन से, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन ये बच्चा अंदर से कौन जा रहा है। छह गेंदे बची हैं और रन चाहिए 22। अब देखने वाली बात यह होगी कि किस गेंदबाज से वे अंतिम ओवर कराते हैं। अब तक बहुत अच्छी कप्तानी कहूंगा परवेज खान की। जीत के लिए कुल रन बनाने हैं 88, क्योंकि 87 रन बनाई थी कोहिनूर चैलेंजर्स ने। और कोहिनूर की ओर से बहुत ही शानदार गेंद बल्लेबाजी की थी मोहम्मद अनीस ने। 19 गेंदों पर ताबड़तोड़ 42 रन उन्होंने बनाए थे। शानदार बल्लेबाजी की थी अनीस ने। इसी बीच मुबीन अंतिम ओवर लेकर आएंगे। उनके सामने होंगे बाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज शेख वसीम, बेहतरीन ऑलराउंडर फ्रॉम औरंगाबाद। 6 गेंद 22 रन। कम से कम 4 खिलाड़ी सर्कल में होना अनिवार्य। इस समय जो 4 खिलाड़ी सर्कल में हैं, उनमें एक स्लिप। ऊंचा स्ट्रोक गेंद हवा में, परवेज खान गेंद के नीचे और कैच ड्रॉप। कैच यहां पर परवेज खान के हाथों ड्रॉप हुआ। दौड़कर आए भी, गेंद के नीचे भी सही समय पर पहुंच गए, लेकिन मानो अंतिम समय पर गेंद से उन्होंने नजर हटाई। नजरें हटी तो समझ लीजिए दुर्घटना घटी। मौका गवाया परवेज खान ने। 5 गेंदे 20 रन। वसीम है स्ट्राइक पर, मुबीन चले। बहुत ही जबरदस्त ये मुकाबला। खराब गेंद, दिशाहीन, जिसकी आवश्यकता नहीं, वाइट का इशारा। ऐसे नाजुक समय पर
पांच गेंदे 19 रन चाहिए जीत के लिए। अब मोहम्मद इमरान निकल के नॉन स्ट्राइक एंड से चले गए, कुछ हिदायत की उन्होंने शेख वसीम को, क्योंकि सीनियर खिलाड़ी हैं मोहम्मद इमरान खान, वसीम भी का अच्छा खासा अनुभव रखते हैं और उनका अनुभव यदि आपको देखना है तो वसीम की बाद में कैप निकाल कर देखें। इस बार स्क्वायर कट किया लेकिन भेज नहीं पाए वहां पर खिलाड़ी को, अच्छी फील्डिंग, केवल एक रन, कुल रन संख्या पहुंच गई 70 रनों पर। अब गेंदे बची है 4 और रन चाहिए 18, 4 गेंदे 18 रन, 2 बड़े हिट मुकाबले का रुख पलट सकते हैं, यही कोशिश होगी जैतापुर की। दूसरी तरफ गेंदबाज यही कोशिश करेगा कि किसी तरह विकेट ना भी मिलती है तो गेंद को डॉट कराया जाए। मुबीन चले, ऊंचा स्ट्रोक और गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री से बाहर, 6 रन। पाथरी प्रीमियर लीग में लगा छक्का लगा लगा चौका लगा। ये हैं मोहम्मद इमरान बहलीम, उन्होंने इरादा किया पक्का और मार दिया डीप मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का, स्वागत किया मुबीन का। अब गेंदे बची हैं 3, रन चाहिए 12, जीत के लिए जैतापुर को रन चाहिए 12, गेंदे बची हैं 3, उड़ गई हैं दर्शकों की नींद क्योंकि गेंदे बची हैं 3। मुबीन चले, बहुत अच्छी गेंद, कैच करने का प्रयास, गेंद निकल गई, थर्ड मैन बाउंड्री से बाहर, 4 रन। पाथरी प्रीमियर लीग में लगा छक्का लगा लगा चौका लगा लगा और इस समय ऑनलाइन देखने वालों की संख्या 1200 के पार हुई है, 1200 से ज्यादा लोग इस समय इस मुकाबले को देख रहे हैं YouTube के माध्यम से। हम धन्यवाद देते हैं राज इंटरनेट सर्विस को जो ये शानदार कार्य कर रही हैं। राज इंटरनेट सर्विस के ऑनर हैं इमरान खान। 2 गेंदे बची हैं और रन चाहिए 8। क्या मुकाबला हो रहा है, जो देख रहा है वो पा रहा है और जो सो रहा है वो खो रहा है। वाकई में बहुत ही खुशकिस्मत हैं वो लोग जो इस मुकाबले को देख रहे हैं और जो न देख पा रहे हो वो दुर्भाग्यशाली हैं। मुबीन चले, हेलीकॉप्टर शॉट, गेंद गई मिड विकेट क्षेत्र में, अच्छी फील्डिंग और दूसरा रन लेने का प्रयास, वसीम रन आउट। क्या मौका, म्यूजिक ना बजाए, म्यूजिक डीजे डीजे आयोजक आप देखिए क्या जबरदस्त मुकाबला। अब गेंदे बची है 1, मोहम्मद इमरान का इरादा है बड़ा नेक, 1 गेंद 7 रन, यदि सिक्सर भी लगता है तो मुकाबला सुपर ओवर में। और मोहम्मद इमरान वो खिलाड़ी हैं जो इस क्षमता के धनी हैं, वो क्षमता रखते हैं एक गेंद पर छक्का लगाने की। मुझे याद आ गया औरंगाबाद पे एडीसी पे मैं कमेंट्री कर रहा था लोकमत एपीएल में, बबलू पठान थे गेंदबाज और हुसैन आमोदी थे बल्लेबाज। बबलू पठान की अंतिम गेंद पर शानदार सिक्सर जड़ा था हुसैन आमोदी ने और टीम को जीत दिलाई थी, लेकिन यहां पर सुपर ओवर में पहुंचा सकते हैं मोहम्मद इमरान। याद कीजिए दिनेश कार्तिक को जिन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट अंतिम गेंद पर सिक्सर लगाकर भारत को विजय दिलाई थी, शानदार जीत दिलाई थी दिनेश कार्तिक ने। नॉन स्ट्राइक पर खड़े रहेंगे
आवेश पटेल ये देखने के लिए कि इस गेंद पर इमरान क्या करते हैं, क्योंकि आवेश पटेल को इस गेंदबाज और बल्लेबाज को देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आए तो सही, लेकिन केवल मोहम्मद इमरान को देखने के लिए आए आवेश पटेल। वे देखेंगे कि इमरान इस गेंद पर क्या करते हैं। ये रही अंतिम गेंद, एक गेंद सात रन। बहुत अच्छी गेंद, और सैयद गुलशेर खान साहब के खुशी का ठिकाना नहीं। ये मुकाबला शानदार तरीके से जीत लिया है 5 रनों के अंतर से कोहिनूर चैलेंजर्स ने। और देखिए दर्शकों को मैं याद दिलाना चाहता हूं, डीजे मैंने कहा था जैसे कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स टीवी फ्रीज वॉशिंग मशीन एसी आणि सर्व प्रकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इलेक्ट्रिकल्स वस्तूंची खरेदी तसेच दुरुस्तीसाठी उत्तम पर्याय, ठिकाण बाबा टॉवर पाथरी, प्रोप्रायटर कृष्णा लांडे, प्रायोजक पाथरी प्रीमियर लीग। एमके ट्रेडर्स सिमेंट गज एंगल पट्टी चद्दर पाईप फरशी दरवाजे इत्यादी बिल्डिंग मटेरियल योग्य दरात मिळण्याचं पाथरी शहरातील एकमेव ठिकाण, मोंढा कॉम्प्लेक्स माजलगाव रोड पाथरी।